जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से हमारा 70 स्ट्रक्चर्स चल रहा है स्पोकन इंग्लिश। हमने तय कर लिया है कि आपको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से सिखाकर ही रहेंगे। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ सिर्फ टेंसेस में घूमती थी, आपको लगता था टेंसेस आते यानी इंग्लिश आती, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है स्टूडेंट्स इंग्लिश की, बहुत बड़ा समुंदर है, अगर हम चाहें तो आपको पूरे साल लगातार पढ़ा सकते हैं और आप बोर नहीं होंगे, गारंटी इस बात की। चलिए आज देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने 14th पार्ट पर आ चुके हैं। हो आपने 1 से लेकर 13 तक हमारे सेशंस देखे होंगे। 70 स्ट्रक्चर्स के जो हम सेशन बना रहे हैं, कोशिश ये कर रही है कि एटलीस्ट 1 सेशन के अंदर आपको दो दो तीन तीन सेशंस वीडियोस एक साथ दे रहे थे कि दो दो तीन तीन हमने 14 15 16 आपको एक साथ स्ट्रक्चर्स देने की कोशिश की है। आज की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, पर उसको सीखने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। द थिंग इज कि अगर आपने 1 से 13 अभी तक नहीं देखे तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 70 तक निपुण होना है। ऐसा नहीं है एक वीडियो देखकर आपको रुकना है, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर हां, आपने अगर अभी तक हमारे 21 वीडियोस जो रिलेटेड टू स्मार्ट स्पेशल वर्ब्स नहीं देखे तो प्लीज उन्हें जरूर गो थ्रू करिए। फोर्टनाइट कोर्स हमारा 15 डेज का स्पेशल कोर्स है, उसको जरूर देखिए, आप डेफिनेटली इंग्लिश में प्रूडेंट हो जाएंगे। तो आई नीड द हेल्प ऑफ रिया। स्टूडेंट्स यहां पर जो पहचान है वो है ना पढ़ता है ने पढ़ते है, यानी कि बहुत बड़ी कंपल्शन है, करना ही पड़ता है, मजबूरी। मजबूरी की इंग्लिश क्या होती है बता सकते हैं आप मुझे? इट मींस हेल्पलेसनेस। गेटिंग माय पॉइंट? हेल्पलेसनेस इज टू बी नोन एज मजबूरी, कंपल्शन है। चलिए हम जब कभी ऐसी लाइंस बोलते हैं तो हमें एक एग्जांपल चाहिए, हमें चाय पीनी पड़ती है, व्हाट वी मेक? सो वी हैव टू टेक टी। वंडरफुल, टेक टी। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, टाइम कॉफी के लिए आप ड्रिंक मत लगाना, प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट। गर्म चीज के लिए ड्रिंक कभी नहीं लगाते, वी हैव टू टेक टी। अच्छा यहां पर वी हैव लगाया, ये बात तो आपको पता ही होगा कि हैज लगता है आज ही, शी इट सिंगुलर, ये बात कॉमन है, राइट। उसे फ्रेंच बोलनी पड़ती है, वंडरफुल स्टूडेंट, दे हैव टू स्पीक फ्रेंच। तो देखिए कोई भी लैंग्वेज होती है। अच्छा यहां पर मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, चलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं स्टूडेंट द इंग्लिश, या मैं आपके साथ चलिए फ्रेंच की बात चलिए तो मैं द फ्रेंच लिख देता हूं, आप इससे क्या समझिए? आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, द इंग्लिश का मीनिंग है इंग्लिश पीपल, ध्यान रखिएगा, इसलिए कभी भी लैंग्वेज के सामने द ना लगाइए। द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच पीपल, द पुअर द रिच, कभी भी पुअर पीपल नहीं बोला जाता, द पुअर बोला जाता है, रिच पीपल नहीं बोला जाता, द रिच बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है। और ये स्ट्रक्चर्स अब आपको समझ आ गई है, जब कभी ना पढ़ता है ने पढ़ते हैं आते हैं तो हम हैव टू हैज टू लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए देखिए, यस प्लीज, you can and definitely it's a part of our advertisements. So friends, we have a set of 3 books. First is 70 way of spoken English, second is universal interview and group discussion, and third is medical representation. Students, you know very well ki hamari 70 way of spoken English bahut shandar book hai, usme humne itna kuch diya hai ki aapko bahut acha lagega. First thing, another thing students, hum ye chahte hain ki agar aap intro ki duniya mein utar rahe ho to bilkul universal intro hindi english mix book hai, ग्रुप डिस्कशन भी उसमें पार्ट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, केस स्टडीज भी है उसमें स्टूडेंट। अगर आप मेडिकल रैप की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एमआर बुक और यूनिवर्सल इंट्रो बुक सफिशिएंट रहेगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ, पर उससे पहले एक अच्छी छोटी सी आपको न्यूज दे देते हैं। नाउ वी आर ऑथराइज्ड फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी, यहां पर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने अन अकेडमी का आपको लिंक दिया है, आप वहां जाकर हमारे पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं और अन अकेडमी के चैनल पर भी हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हमने जब आपको एक अच्छी न्यूज दी तो एक अच्छा सेकंड हम अपने ऑप्शन भी चलते हैं, ना पढ़ा ने पढ़े नी पढ़ी। अब की बार मैंने इसी बात को पास में बोलना है, मैंने यहां कहा था हमें चाय पीनी पड़ती है, अब मैं बोल रहा हूं हमें चाय पीनी पड़ी। Have to और has to की जगह had to लग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल रिया से लेते हैं, ये देखिए had to लग रहा है, राजा को झोंपड़ी में सोना पड़ा। The king had to sleep in the hut. Very simple, hut, right? In a sleep, sleep in a hut. मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा। I had to consult doctor. यहाँ पर वर्ड मूल है मुझे कंसल्ट, बिल्कुल सही है। कल अगर डिक्शनरी पढ़ रहे हो तो आप कहोगे I had to consult a dictionary. Read a dictionary नहीं होगा, डिक्शनरी से कुछ भी देख रहे हो, राइट। पर सेम केस, डॉक्टर से मिला मीट क्यों नहीं लगा? मीट मैट मैट भी तो लगा सकते थे, ऐसा नहीं है। रीजन इज ओनली वन, जब हम डॉक्टर से मिल रहे हैं तो ये बात जायज है। ये जो रीजन है प्राइमरी रीजन शो हो रहा है, सेकेंडरी रीजन नहीं। अब ये सर प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है तो आपको बता दें कि प्राइमरी सेकेंडरी ये होता है स्टूडेंट्स की जब कभी हम किसी काम से, जिस काम के लिए वो बनी है चीज, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूं, स्कूल का काम क्या है? पढ़ाना। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं कि मेरी चोट लगी, मैं वहां घाव ठीक करवाने जा रहा हूं। पर अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं डॉक्टर से मिलने क्योंकि मेरा फ्रेंड है, ये सेकेंडरी रीजन है, राइट। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि स्कूल के अंदर जो टीचर है वो मेरा दोस्त है, मैं उसको शादी का कार्ड देने जा रहा हूं, दिस इज द सेकेंडरी रीजन, आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा कि हम डॉक्टर से, ऑब्वियस है कि अब डॉक्टर से मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कंसल्ट ही कर रहे हैं, राइट, रिलेटेड टू डिजीज। चलिए अब इसी बात को हमें फ्यूचर में बोलना है, ना पड़ेगा ने पड़ेंगे नी पड़ेगी। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा,
मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको यहां 7 डेज के लिए इनवाइट करते हैं। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं या दुनिया में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो हम आपको वेल ट्रेन करते हैं, अपने नोट प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपको टेलीफोन प्रिपरेशन भी करवाते हैं। इसके लिए भी मुझे रियल हेल्प चाहिए, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, विल हैव टू लगेगा इसके अंदर स्टूडेंट, विल एक मुड़ाल है, उसके बाद हैज कभी नहीं लगता, इस बात को अपने माइंड के अंदर सेट रखना। शुड हैज कभी नहीं सुना होगा, कुड हैज कभी नहीं सुना होगा, वुड हैज कभी नहीं सुना होगा, would have, should have, right? Same case will have. उसे सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। He will have to pick up all the responsibility. Wonderful, the word is pick up. यहाँ पर मैं अपने students को एक word दे देता हूँ, students, bear, ये word भी आपने सुना होगा, सहना, बहुत meaning होते हैं, यहाँ हम सहना लेकर चल रहे हैं, पर एक और word देते हैं, endure. मैंने अपने last lectures के अंदर, मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है, मैंने एक word दिया था, endure और endeavor, सुने आपने, E-N-D-E-A-V-O-U-R, endeavor. Try, कोशिश करना को एंडेवर कहते हैं, और एंड्योर और बियर और पिकअप सब को मिलाकर जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? विल हैव टू बियर, विल हैव टू टेक, विल हैव टू एंड्योर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पर, ऑन हिज शोल्डर्स, राइट। चलिए, उसे गुस्से में बोलना पड़ेगा, शी विल हैव टू स्पीक विद एंगर, वाओ, विद एंगर, द वर्ड आया, शी विल हैव टू स्पीक, ही विल हैव टू स्पीक विद एंगर, गुस्से में, शॉर्ट टेंपर पर्सन नहीं होना, राइट, इसलिए गुस्से में नहीं बोलना, हमेशा जॉवल रहना है, खुश रहना है, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमने आपको स्ट्रक्चर सिखाई 14 15 16, होप हमारा जो टारगेट है आपको 70 स्ट्रक्चर तक पहुंचाने का जल्दी पूरा होगा, और अभी तक आपको ये स्ट्रक्चर कैसी लग रही है प्लीज हमें जरूर बताइएगा, ये चीज हमें बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू, लव यू।